नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि आने वाली है, आइए जानते हैं इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, क्या मंत्र जाप करें, कैसी दिनचर्या रखें और भगवान शिव को महाशिवरात्रि के माध्यम से कैसे प्रसन्न करें, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है और इस वर्ष 2024 में 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि मनाने का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह तिथि क्यों प्रसिद्ध है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी दिन माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ था, इसलिए इस तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। और अगर हम अंग्रेजी वैलेंटाइन डे की बात करें तो उससे अलग भारतीय वैलेंटाइन डे अगर किसी त्योहार को कहा जा सकता है तो यह वही दिन होता है। तो हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह बहुत ही शुभ माना जाता है और महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाने की बहुत शुभ रस्म मानी जाती है। यह दिन माता पार्वती और भगवान शिव के वैवाहिक जीवन को समर्पित है और इस दिन 4 प्रहर में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता भी है कि अगर इस दिन आप यह करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सही तिथि समय क्या होगा। इस वर्ष 2024 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जो आरंभ है वह 8 मार्च 2024 को रात 9:57 से शुरू होता है और अगले दिन यानी कि 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त होगा। इस बार रात्रि पूजा मुहूर्त के हिसाब से 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि को फिर मनाया जाएगा। तो अगर हम 4 प्रहर की पूजा की बात करें, क्योंकि यह पूरा व्रत का समय होता है और व्रत के समय में आप 4 प्रहर की पूजा अगर करते हैं तो कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है, भगवान शिव की कृपा माता पार्वती सहित हमें प्राप्त होती है। तो महाशिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा 8 मार्च 2024 को शाम के वक्त 6:25 से लेकर 9:28 तक की होगी। दूसरे प्रहर की अगर बात की जाए तो वो होगा 8 मार्च 2024 को 9:28 से लेकर के रात्रि 12:30 का। और महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर, जिसे हम सबसे ज्यादा शुभ समय मानते हैं क्योंकि इस समय हमें बिल्कुल एकांत प्राप्त हो जाता है, तो यह समय है आपका सुबह यानी कि अगले दिन का 12:30 से सुबह के 3:34 तक का समय। और महाशिवरात्रि के चौथे प्रहर की पूजा का समय है 9 मार्च 2024 को सुबह 3:34 से सुबह 6:37 तक का। यह कथा आती है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोरतम विवाह या कठोरतम तपस्या की थी उन्होंने और महाशिवरात्रि के दिन माँ पार्वती इस तपस्या से सफल हो दी थी, तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और फिर उनका विवाह उनके साथ इसी तिथि को संपन्न हुआ था। इसीलिए सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य के लिए उन्हें महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे उनके जीवन में कल्याण की प्राप्ति हो। इस दिन भगवान शिव की आप साधना किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। कोई विशेष तांत्रिक तरीके की बात अगर हम करें तो उसके संबंध में मैं वीडियो अवश्य ही बनाऊंगा, लेकिन अगर सहज रूप से बात की जाए तो भगवान शिव की आराधना इस दिन किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, कल्याण ही कल्याण की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को ब्रह्मांड के संहारक, निर्माता और अवस्था परिवर्तन के देवता के रूप में परम तपस्वी स्वरूप में हम लोग जानते हैं। उनके मंत्रों का जाप, उनके प्रति समर्पण, प्रार्थनाओं के माध्यम से हम भौतिक जीवन के साथ आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव का सबसे ज्यादा लोकप्रिय मंत्र जो है वह नमः शिवाय है, जिसमें ओम लगा लिया जाता है, पंचाक्षरी होता है और ओम लगाकर फिर ओम नमः शिवाय बन जाता है। यह मंत्र बहुत अधिक शुभ माना जाता है और इससे आपको हर प्रकार की
बीमारी, विभिन्न प्रकार के रोग, कष्ट, ग्रह बाधा, जीवन में सफलता का ना मिलना, किसी भी प्रकार से आपके कार्यों में रुकावट आना, ये सारी चीजों को दूर करता है। भगवान शिव के इस मंत्र से सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर मैं शिवरात्रि पर की जाने वाली साधनाओं के लाभ बताऊं, जो हर एक व्यक्ति को प्राप्त होते ही होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, वह सामान्य लाभ तीन प्रकार के हैं। एक सामान्य लाभ प्राप्त होता है, एक शारीरिक लाभ होता है और तीसरा मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त होता है। सामान्य लाभ की बात की जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में आपके रिश्तों में सुधार होता है, अनेक शारीरिक समस्याओं और रोगों का निवारण होता है, कैरियर में वृद्धि, प्रगति और विभिन्न प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं, अतीत के बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट होता है, सकारात्मक इच्छाओं का प्रतिफल मिलता है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। शारीरिक लाभ की बात की जाए तो आपका शारीरिक विश्राम होता है, हृदय गति की कमी, रक्त प्रवाह में वृद्धि, यह सारी चीजें होती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, मांसपेशियों के दर्द इत्यादि ठीक होते हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, मधुमेह जैसी स्थितियां ठीक होती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होती है, बीमारियों में कमी आती है, ताकत और जीवन शक्ति में सुधार होता है जिससे लंबा जीवन प्राप्त होता है, मासिक धर्म से पैदा होने वाली समस्याओं में कमी आती है। और अगर मनोवैज्ञानिक लाभ की बात की जाए तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, भय और भय का सामने करने के लिए आपको साहस की प्राप्ति होती है, भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है, जीवन में जिस चीज पर भी फोकस, स्मृति और सीखने की क्षमता में कमी हो वह सारी बढ़ने लगती है, दृढ़ संकल्प आपके जीवन में स्थापित होता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, नींद के चक्र की स्थिति सामान्य होती है, बुरी आदत जीवन पद्धतियों का उन्मूलन होता है जो कि नकारात्मक मानी जाती है, तनाव और चिंता आपकी नष्ट होती है। और अगर आध्यात्मिक लाभ की बात की जाए तो स्वयं के साथ, अपने इष्ट के साथ आपका संबंध गहरा हो जाता है, मन की शांति, संतुष्टि, मन की जो भी विडंबनाएं हैं उनका नाश होता है, निरंतर आध्यात्मिक विकास होता है, जीवन का उद्देश्य बेहतर होता जाता है, ध्यान केंद्रित होता है, जागरूकता आती है, चेतनता बढ़ती है, दूसरों के प्रति सहनशीलता और प्रेम में वृद्धि होती है। तो इस तरह के आपको कई लाभ देखने को मिलते हैं। अगर ये बात की जाए कि इस दिन हम कौन से मंत्र पढ़ सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, ओम नमः शिवाय सर्वोत्तम है। इसके अलावा कुछ मंत्र मैं बता रहा हूँ जिनको पढ़ने से आप अलग अलग तरह के विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम नमो नीलकंठाय। यह आपके गले में होने वाली समस्याओं को दूर करेगा और आपके भाषा शैली का विकास करेगा, वाक सिद्धि भी प्रदान करता है लंबे समय तक जाप करने पर। ओम पार्वती पतये नमः। यह आपको माता पार्वती के साथ भगवान शिव की कृपा दिलाता है। ओम पशु पतये नमः। यह आपको विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है, सिद्धियां देने वाला मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यह सर्व प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र हर प्रकार के रोगों का नाश करने वाला, मोक्ष को देने वाला है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह भगवान शिव का गायत्री मंत्र है और आपके जीवन में सर्व कल्याण प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। यह भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करते समय विभिन्न प्रकार की शुभ अवस्था देने वाला है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। यह मंत्र भगवान के रुद्र स्वरूप के दर्शन कराने वाला है। ओम अघोराय नमः। यह अघोरेश्वर मंत्र विभिन्न प्रकार की सिद्धियां देता है। ओम शर्वाय नमः। यह भी गोपनीय तरीके से आपको कई सिद्धियां प्रदान करता है। भगवान शिव की जब भी साधना करें, रुद्राक्ष की माला से ही जाप करें और उसे गोमुखी में रखकर ही जाप करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिसमें रात्रि 12 बजे से होने वाली पूजा को अवश्य करें, उस वक्त भगवान शिव की ज्यादा कृपा मिलती है। हालांकि पूरे दिन कभी भी आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करेंगे तो लाभ की ही प्राप्ति होती है। भगवान शिव की साधना हमेशा एकांत में, जनशून्य स्थान, जहां पर आपको स्वयं के मंत्र के अलावा किसी का भी स्वर सुनाई ना दे,
करना चाहिए। भगवान महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और प्रसन्न होने पर औघड़ दानी कहलाते हैं। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं वह जो प्रदान ना कर पाए। यहाँ तक कि यक्ष, यक्षिणी, किन्नरी, स्वर्ग की अप्सराएं, योगिनियां, भैरवियां, विभिन्न प्रकार की जो भी शक्तियां हैं, सभी भगवान शिव के आगे नतमस्तक रहती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले पर अपने आप ही उनकी कृपा बरसती है। इसलिए कहा भी जाता है कि तंत्र के सबसे बड़े देवता भगवान शिव हैं। इनको प्रसन्न करने वाला तंत्र विजयी कहलाता है और उसके जीवन में हर शक्ति शुभ फल देने वाली ही बन जाती है। इसलिए भगवान शिव को माता पार्वती के साथ प्रसन्न कर जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हुए महामोक्ष की ओर बढ़ते हुए भगवान शिव को इस शिवरात्रि के दिन प्रसन्न अवश्य करें। मैं एक गोपनीय तंत्र साधना भी अवश्य ही शिवरात्रि के लिए आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन जो लोग तंत्र साधक नहीं हैं और सहज रूप में केवल भगवान शिव को माता पार्वती सहित प्रसन्न करना चाहते हैं, वह इनमें से किसी भी मंत्र का जाप अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनके प्रति समर्पण को रखते हुए अवश्य करें। स्वयं आप अपना कल्याण होते हुए देखेंगे। तो यदि जानकारी महाशिवरात्रि के दिन के बारे में, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।